लॉकडाउन जो लगा था कोरोना काल के चलते, जैसे हर किसी का बिजनेस जो बंद पड़ा हुआ था, इनके भी भाई साहब का होटल बंद हुआ, इनकी भी दुकानें बंद हुई, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम खाली नहीं बैठ सकते थे, जिसके कारण जिसके चलते इन्होंने इसको डेयरी का काम शुरू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सुशील शर्मा। इस वक्त हम मढ़ ब्लॉक के, जो कि जम्मू प्रोविंस में स्थित है, वहां के एक गांव करलूप जिसका नाम है, वहां पर आज हम आए हुए हैं। और यहां पर आने का एक मकसद है कि हमारे यहां पर एक बचपन के दोस्त रहते हैं। यहां पर बचपन में हमारे साथ ये कटरा में पढ़ते थे, इनकी जो प्राथमिक जो शिक्षा थी वो कटरा में शुरू हुई। बड़े अरसे बाद आज ये हमारे साथ यहां पर मिले हैं और यहां पर इनकी डेयरी जो है, डेयरी फार्म में हम यहां पर आए हुए हैं। यहां पर इन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की जो गायें हैं वो यहां पर इन्होंने रखी हुई है। और यहां पर आने का मेन मकसद हम आपको बताते चलें कि एक जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ आदमी कैसा होता है, उसको अपने गांव से कैसे प्यार होता है, उसको अपनी मिट्टी से कैसे प्यार होता है, वो इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे। जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो शख्स सिर्फ डेयरी का काम नहीं करता है, उनका एक मनाली में उनके अपने होटल्स हैं, इसी गांव में उनकी अपनी दुकानें हैं, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है। पर उसके बावजूद भी, होटल्स अपनी जगह चल रहे हैं, दुकानें अपनी जगह चल रही हैं, उसके बावजूद भी अपनी जमीन से जुड़े रहने के लिए इन्होंने यहां पर अपने गांव में एक छोटी सी शुरुआत की है। आइए बात करते हैं सोनू पंडित जी से, जो कि हमारे मित्र भी हैं, बचपन में कटरा में हमारे साथ पढ़े हुए हैं, और ये पेशे से एक होटलियर भी हैं। मनाली में इनका होटल है, वहां पर शाल एम्पोरियम की दुकानें हैं इनकी। उसके बावजूद भी ये यहां पर ये काम कर रहे हैं। सोनू जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो डेयरी का आप काम कर रहे हो, यहाँ पे खोला हुआ है, इसके पीछे क्या मकसद रहा है? हालांकि आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हो, आपका होटल भी है, मनाली में दुकानें भी हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर ये डेयरी का काम खोल के बैठे हुए हो, कितनी मुशक्कत करनी पड़ी है? सुशील जी, राम राम, जय माता दी। जो ये बात आप पूछ रहे हो कि जो पिछले अभी लॉकडाउन चल रहा था, कि हम लोग काम करने वाले बंदे हैं, ठीक, तो बैठ नहीं सकते, तो दो तीन साल में बैठे बैठे ही दिमाग में बात आई कि जैसे हमारे घर में आपको पता ही है खेती बाड़ी तो हमारी है ही है, तो बीच में मैंने देखा कि हमारे भाई साहब जो डेयरी का वगैरह का काम करते हैं, उनके पास बैठे बैठे मेरे दिमाग में सोच आई कि मैंने पहले एक गाय लाई, एक के ऊपर फिर दो ली, दो के ऊपर तीन, ऐसे ऐसे करते आज मेरे पास 10 गाय है। आज की डेट में आपके पास कितनी गायें यहाँ पर, कितने जानवर यहाँ पर आपने रखे हुए, जो कि जिनसे आप ये दूध का काम करते हो? अभी मेरे पास 10 गाय इधर है, एक छोटा सा फार्म मेरा और है, उधर 15 डेयरी, 15 गाय उस फार्म पर, टोटल आपके पास 25 गायें। जी जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि असली बात का अभी पता चला कि लॉकडाउन जो लगा था कोरोना काल के चलते, जैसे हर किसी का बिजनेस जो बंद पड़ा हुआ था, इनके भी भाई साहब का होटल बंद हुआ, इनकी भी दुकानें बंद हुई, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम खाली नहीं बैठ सकते थे, जिसके कारण जिसके चलते इन्होंने इसको डेयरी का काम शुरू किया। फिर से इनसे बात करेंगे। जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन के चलते आपने ये डेयरी का काम शुरू किया था, अब आपका लॉकडाउन तो अब खुल गया है, अब नेक्स्ट क्या फ्यूचर क्या रहेगा आपका, कि क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर इसको बंद करेंगे? इसीलिए जैसा ये काम है, हमें अच्छा लगता है, बढ़िया काम है, तो हमारा मन तो बिल्कुल इस काम में लगा हुआ है, अभी तो कोई विचार नहीं है बंद करने का, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बाकी जो जैसे सभी बोलते हैं कि गवर्नमेंट वगैरह हमारी बड़ी सपोर्ट वगैरह कर रही है, तो वो तो मुझे लगता है कि जमीन से वो करती होगी, मगर जो हम तक है इसकी सपोर्ट वो नहीं पहुंच रही है कुछ भी, मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या, जो सब्सिडाइज जो इनके होते हैं, कोई स्कीम्स चलती हैं, वो स्कीमें जमीनी स्तर पर आपके पास नहीं पहुंच पा रही। जैसे वो आजकल सब्सिडी की वो जो निकली हुई है स्कीम, वो तो फॉर्म फिल तो किया आदमी, मुझे 2-2.5 महीने हो गया फॉर्म जमा करवाए हुए बेली जनाना में, मगर उसका कोई 3-4 बार होके भी आया हूँ, कोई उन्होंने नहीं कोई मैसेज किया, नहीं कोई मुझे नंबर दिया, उसका भी उसी नंबर तक नहीं मुझे मिला है।
तो बाकी चलो ऐसे तो बोलते हैं, वो हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम तक कुछ नहीं सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट की पहुंच रही, जो भी कर रहे हैं अपने बल बूते वाले कर रहे हैं। सोनू जी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि एक होटलियर की लाइफ, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और इस काम में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि जमीन से चारा उठा के लाना, फिर वहां पर उसका यहां पर उसको मैच करना, इनकी देखभाल करना, अभी गर्मियों का मौसम है, इनको नहलाना, गायों का पूरी देखभाल, किस प्रकार की दिनचर्या रहती है आपकी? देखो जो वो होटल का काम है वो एक अलग सिस्टम का काम है, जो जे है जे तो एक मेहनत खून पसीने की जिसको वो लोग कमाई बोलते हैं जो वही है जी। हाँ जी, सुबह 4 बजे से लेके हम शाम 9 बजे तक काम करना पड़ता है, बीच में जो 2-3 घंटे हम रेस्ट के लिए मिलता है वैसे कोई नहीं मिलता है। अच्छा। अगर आपने लटके भी रखे हो फिर भी आप जब तक आप खुद नहीं काम करोगे तो आप डेयरी कामयाब नहीं हो सकती है, वो उसकी फेल ही होगी। जैसे लोग बोलते हैं हमारी डेयरी फेल होगी, डेयरी फेल उसका काम यही होता है, जो डेयरियां फेल हो रही है बंदे खुद नहीं बैठते हैं, फार्म खोला तो खुद आगे पीछे रहे उनकी डेयरी फेल होती है। ऐसे डेयरी कोई, सभी डेयरी कामयाब होती है जब तक मालिक खुद कर रहा है। कितनी प्रोडक्शन रोज आप यहाँ से निकाल लेते हो, कितना दूध यहाँ से निकाल लेते हो और कहाँ पर सप्लाई करते हो इसको? अभी जो इस डेयरी का 1 क्विंटल दूध होता है अभी इधर ही दे रहे हैं, अमूल की वो लगी हुई है जी, उधर दे रहे हैं, उनको देते हैं जी जी जी। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो युवा, जो हमारे जो नीचे जो पीढ़ी है, जो मतलब बेरोजगार युवा जिनको आप बोलोगे, उनके पास जमीनें भी हैं, सब कुछ है, उनको आप क्या कहेंगे इस टाइप के काम खोलने के लिए, चाहे वो पोल्ट्री वाली साइड चले जाएं, डेयरी वाली साइड चले जाएं, अपनी जमीनों में काम करें, हालांकि उनके पास तो सारे ये प्रबंध होते हैं पर उसके बावजूद भी वो काम नहीं करते, उनके लिए आप जैसे जो युवा हैं वो एक प्रेरणा स्रोत बने हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने ये काम किया, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो जो जे वाला काम है इसमें हमें 2 बेनिफिट हैं, एक तो वो कि हम सेवा कर सकते हैं, दूसरा जो हमारे युवा भाई हैं वो ये काम करेंगे तो उनका ध्यान नशे वाली साइड पे नहीं जाएगा जी। क्योंकि इस काम में खुद मेहनत करनी पड़ती है, एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरा उनको टाइम ही नहीं मिलेगा आवारा बाहर फिरने का, दूसरा नंबर उनके दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं जाएगी जो उनका बॉडी का टेम्परेचर वो बराबर, खून उनका हरकत में रहेगा जी, इसलिए वो अगर डेयरी का काम करेंगे तो वो गलत साइड पे उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा, मतलब कोई ना कोई काम उनको करना चाहिए। फिट रहेंगे, मैं तो बोलूंगा वो अगर फार्म का काम करेंगे तो काम जॉब भी उनको मिलेगी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सोनू पंडित जी जो कि करनूप गांव के रहने वाले हैं, जम्मू प्रोविंस में ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर मढ़ ब्लॉक में ये पड़ता है, और इनकी स्टोरी आपने इन शॉर्ट हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इन्होंने लॉकडाउन के अंदर इन्होंने ये जब देखा कि सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, होटल्स बंद हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, उस दौरान इन्होंने देखा कि इसेंशियल सर्विस के अंदर ये आता है, दूध एक इसेंशियल सर्विस थी, उसको लेकर इन्होंने एक छोटी सी जगह में एक छोटा सा इन्होंने डेयरी फार्म एक गाय से इन्होंने स्टार्ट किया, जिसको आज इन्होंने 25 गायें तक उसको लेके गए हैं। तो और इनका आगे का भी प्लान ये है कि इसको ये आगे भी इसको ये फर्दर इसको करना चाहते हैं, होटल अपनी जगह, बाकी वाला काम अपनी जगह चल रहा है। हम भी ये दुआ करते हैं कि इनका जो ये डेयरी फार्म है ये बड़े फूले और अच्छा यहाँ पर इनका काम हो। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मैं हूँ सुशील शर्मा अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।